हाँ जी, त्रेता में जब भगवान की मानव लीला संपूर्ण हुई और जब बारी हुई कि अपने धाम वापस जाना है, तब भगवान अयोध्या से अपने दो भैया भर शत्रुघ्न और पूरी प्रजा प्रजा में मानव के अलावा वानर भालू पशु पक्षी कीट पतंगे अदृश्य रूप में आत्माएं जो इस धरती पर विचरण कर रही थी अयोध्या के सबको लेकर अयोध्या से दो कोस पश्चिम दिशा में पधारे। दोस्तों जय सियाराम, भारत माता की जय। दोस्तों इस वक्त दोस्तों मैं अयोध्या में और अयोध्या के दोस्तों गुप्तार घाट पर हूँ दोस्तों इस वक्त दोस्तों। और मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये श्री राम जी का, सीता जी का और हनुमान जी का और महादेव का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, ये इस गुप्तार घाट पर। इस गुप्तार घाट से रिलेटेड कुछ मान्यताएँ हैं दोस्तों, तो वो क्या मान्यताएँ दोस्तों उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और काफ़ी पवित्र जगह है दोस्तों अयोध्या की धर्म नगरी में ये भी, और इस घाट से रिलेटेड भी एक बहुत ही प्राचीन कहानी है दोस्तों श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है दोस्तों सरयू नदी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सरयू नदी है दोस्तों, ये वही पवित्र नदी है दोस्तों जहाँ पर लोग आते हैं और इस पवित्र नदी में दोस्तों स्नान करते हैं। और श्रद्धालुओं की मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों इस पवित्र नदी में दोस्तों नहाने भर से ही आपके पाप धुल जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं हूँ दोस्तों तार घाट में और आपको लेकर चलूँगा दोस्तों मंदिर में, और आपको अंदर मंदिर में आपको दर्शन करवाऊँगा श्री राम जी के, राम सीता जी के। और इस घाट से रिलेटेड और इस जगह से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, बने रहना दोस्तों ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं दोस्तों सरयू नदी के घाट पर, जिसे गुप्तार घाट बोला जाता है। और ये दोस्तों वोट खड़ी है नावे दोस्तों, हम भी वोटिंग करेंगे और वोटिंग करके दोस्तों आपको सरयू नदी के दोस्तों खूबसूरत दृश्य आपको दिखाएंगे, नाव में बैठकर आपको दिखाएंगे सरयू नदी कितनी खूबसूरत लगती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इस वक्त दोस्तों हम अयोध्या के दोस्तों गुप्तार घाट पर, और इस गुप्तार घाट का भी एक महत्व है दोस्तों अयोध्या का नाम लेते हैं दोस्तों श्री रामचंद्र जी की तस्वीर दोस्तों हमारे दिमाग में पहुंच जाती है। वैसे तो दोस्तों अयोध्या में काफ़ी ऐसी जगह है जो देखने लायक है, और उनसे श्री रामचंद्र जी से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ और मान्यताएँ उन स्थानों से जुड़ी है। इसी तरह दोस्तों जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये दोस्तों सरयू नदी के बीचों बीच में खड़ा हूँ दोस्तों, यहाँ का दोस्तों एक गुप्तार घाट है दोस्तों, इस जगह से भी एक मान्यता एक कहानी जुड़ी है दोस्तों, जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको बताऊँगा दोस्तों। मान्यता है कि दोस्तों यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने दोस्तों जल समाधि ली थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बीचों बीच दोस्तों सरयू नदी में दोस्तों श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी दोस्तों, और इसीलिए दोस्तों इस जगह का नाम गुप्तार घाट रखा गया है दोस्तों। तो गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं दोस्तों श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के मंदिर हैं दोस्तों। और दोस्तों इस घाट का निर्माण दोस्तों 19वीं शताब्दी में दोस्तों करवाया गया था दोस्तों 19वीं शताब्दी में राजा दर्शन सिंह द्वारा दोस्तों इस घाट का निर्माण करवाया गया दोस्तों। काफ़ी चलते हैं और आपको नाव में बैठकर मैं दिखाता हूं दोस्तों। दोस्तों मान्यता है कि दोस्तों जब श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली थी तो दोस्तों उनके साथ कीट पतंगे तक उनके दिव्य धाम चले गए थे उनके साथ।
रास्ते हम मंदिर के अंदर, और ये हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। श्री रामचंद्र जी का मंदिर है दोस्तों ये, और ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर, काफी पुराना मंदिर है दोस्तों ये भी। अब चलते हैं दोस्तों हम अंदर और आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों हम उत्तार घाट दोस्तों और 500 साल पुराने मंदिर में, और हमारे साथ हैं दोस्तों मंदिर के पुजारी जी, और मंदिर के पुजारी जी हमें थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में और यहाँ से जुड़ी जो लोक गाथा है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। ये पुजारी जी हैं कृणेश तिवारी, तो ये थोड़ा आपको बताएंगे। हाँ जी, त्रेता में जब भगवान की मानव लीला संपूर्ण हुई, अब जब बारी हुई कि अपने धाम वापस जाना है, तो भगवान अयोध्या से अपने दो भैया भर शत्रुघ्न और पूरी प्रजा, प्रजा में मानव के अलावा वानर भालू पशु पक्षी कीट पतंगे अदृश्य रूप में आत्माएं जो इस धरती पर विचरण कर रहे थे अयोध्या के, सबको लेकर अयोध्या से दो कोस पश्चिम दिशा में पधारे, इस समय जहाँ हम आप हैं। जब यहाँ पधारे तब वाल्मीकि जी ने भगवान का स्वरूप का उल्लेख किया कि किस स्वरूप में भगवान अयोध्या से यहाँ अपनी लीला संपूर्ण करने पहुँचे। वो दर्शन में अंतिम था इसलिए लीला स्वरूप का उल्लेख किया। जिस स्वरूप का वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया उत्तरकांड में 109 सर्ग के चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में उल्लेख, वही स्वरूप यहाँ मंदिर में दर्शन में है। स्वरूप में वाल्मीकि जी ने विशेषता लिखी, भगवान अयोध्या से आए तब रेशमी वस्त्र पहने, हमेशा हाथ में धनुष धारण किए रहते हैं, अब हाथ में धनुष धारण नहीं किए, अब हाथ में कुश लेकर आए, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अयोध्या से दो कोस पश्चिम नंगे पांव पैदल यहाँ भगवान की चरण पादुका भी नहीं स्थान पर, उघारे पैर भगवान यहाँ आए और सरयू में ले गए सबको प्रजा सहित यही अंतर्ध्यान हो गए। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार घाट, जो पहले था लेकिन अब संस्कृत से हिंदी में अपभ्रंश होकर यह गुप्तार घाट हो गया। मूल नाम स्थान का गोप्रतार घाट, स्कंद महापुराण में भी गोप्रतार है, वाल्मीकि रामायण में भी इनका मूल नाम गोप्रतार घाट। अभी हमने आपको पुजारी जी से, मंदिर का जो पुजारी है दोस्तों उनसे आपको यहाँ की जो लोक गाथा है दोस्तों श्री रामचंद्र से जुड़ी उसके बारे में थोड़ा आपको बताया। और दोस्तों ये है दोस्तों 500 साल पुराना मंदिर है दोस्तों ये हमारा, ये जिस मंदिर में हम खड़े हैं अभी, ये 500 साल पुराना मंदिर है दोस्तों श्री रामचंद्र जी का, और सरयू नदी के तट पर है दोस्तों। और इस सरयू नदी से जुड़ी जो बात कथा थी सॉरी दोस्तों, वो आपको पंडित जी ने बताई है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।